हाँ तो यार भाई लोगों, कैसे हो ओपी यार। तो भाई लोगों, आज मैं आपको दिखाऊंगा यूट्यूब इंडिया का सबसे ज्यादा अंडररेटेड यूट्यूबर। सीरियसली जब मैंने इस बंदे का कंटेंट देखा तो मैंने यही सोचा कि इतना बड़ा सितारा ऐसी कौन सी अमावस्या में खो गया कि दिखा ही नहीं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं भाई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। भाई का नाम है अरुण और भाई करते हैं यूट्यूब पे गोल्ड डिगर प्रैंक। अब आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि टिकटॉक वीडियो में और प्रैंक वीडियो में उतना ही अंतर होता है जितना मेरे में। अगर देखा जाए तो टिकटॉक वीडियो और प्रैंक वीडियो दोनों आपस में भाई होते हैं, बस दोनों की माँ और बाप अलग अलग होते हैं। लाइक अ ब्रदर्स फ्रॉम अनादर मदर्स। कितनी बड़ी बात बताई। सो मेरे ख्याल से इतना इंट्रोडक्शन काफी होगा, अब चलते हैं सीधा वीडियो पे। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वाह भैया वाह, वीडियो की शुरुआत ही आल्ट बालाजी से हुई है, तो जाहिर सी बात है वीडियो के अंदर तो पूरा पोर्नो भी चल रहा होगा। यार इस वीडियो में थोड़ी मेहनत लगी है, पैसा भी अच्छा खर्च हुआ है। जितने भी यूट्यूबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, ये मेहनत बोलना बंद कर दो यार प्लीज। कैमरामैन भी 3-4 बुलाने पड़े थे, तो यार वीडियो को एंड तक देखना। वो लिटिल दानिश के फैन सीधा खड़ा रहे भाई। बहुत मजा आने वाला है, वीडियो बहुत रोमांटिक बनी है, बाकी मिलते हैं वीडियो के। देख मेरे भाई ना, हम गब्बर है ना तू बसंती है, तो प्लीज ये नाचने की जरूरत नहीं है। सीधा खड़ा होकर भी बात करेगा तो समझ जाएगी पब्लिक। फिर उसके लिए फोन लेके आया था मैं और आई नहीं आज मिलने। ये तो अभी लॉन्च हुआ है ना। हाँ जब ये 11 लॉन्च हुआ वो ये। एक सेकंड, एक बार इसका बैकग्राउंड म्यूजिक चेक कर लो। 11 लॉन्च हुआ वो। ऐसा नहीं लग रहा किसी की शादी का रिसेप्शन हो रहा हो। बहुत कुछ करते हैं। हाँ तो वो बहुत कुछ ही तो करना है, चलेंगे फिर उसके बाद यहाँ से होटल वगैरह पे। इनको होटल जाना है। ये उन बच्चों में से आता है जो दिन भर टीवी पे बबीता को देखकर और रात में इंटरनेट पे सबीता को देखकर हिलाते बिट्टे और हिला के ये अपना पूरा फ्यूल खत्म कर लेते हैं। और जब बात आती है राइड की तो दोस्तों से कहते फिरते यार घोड़ा छाप दिला देना, वाइग्रा की गोली दिला देना, और ऐसे चुसे हुए हम बेशर्मी के साथ बोलते हैं कि इन्हें ओयो जाना है, चलेंगे फिर उसके बाद यहाँ से होटल वगैरह। चूतिया ओयो नहीं, हॉस्पिटल जा, खड़े खड़े खत्म हो जाएगा, ग्लूकोज घुसमा खुद के अंदर। यार बहुत हो गया मजाक, अब मैं आपके 30 सेकंड लेना चाहूंगा। अगर आप इस वीडियो को प्रीमियर पे देख रहे हैं तो प्लीज छोड़ के जाना, देख लेना यार, सिर्फ 30 सेकंड ले रहा हूँ। सो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा एक लूडो एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है लूडो सिंह। इस एप्लीकेशन में जाकर आप लोग लूडो खेल सकते हैं और साथ ही साथ पैसे भी कमा सकते हैं। अगर आप लोग अकेले हो और लूडो खेलते हो तो इसमें आपको मिलेंगे रैंडमली प्लेयर जिनके साथ आप लूडो खेल के पैसे कमा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इसमें एक और फीचर है जो कि है ऑफलाइन फीचर। इसमें आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इजीली लूडो खेल सकते हैं लाइक दिस। इसमें पैसे डिपॉजिट करना और निकालना बहुत ज्यादा इजी है। एंड प्लस पॉइंट ये है कि विदाउट टैक्स आप इसमें ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो अगर आप लोग लूडो खेलना चाहते हैं तो लूडो सिंह का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ जाकर डाउनलोड कर लो। फोन नहीं मांगने का यार, मैं रख लो फोन, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आए है मुझे। एटीट्यूड देखो भाई का। अबे देख, पैसा दिखाने से पहले भी तू छपरी था, पैसा दिखाते टाइम भी तू छपरी, और पैसा खर्च करने के बाद भी तू छपरी ही रहेगा। इन दी सेंस, बाप के पैसे पे उड़ने वाले छपरी लोग अगर फर्स्ट कॉपी पहनने लगे तो वो साहिल खान नहीं बन जाते हैं। अच्छा तुम आ जाओ, मैं भी आ रहा हूं, ठीक है? तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। हां तो गाइस, तो आप सोच रहे हो कि मैंने उसको आई हेट गोल्ड डिगर्स कह के भगाया क्यों नहीं। अरे भाई, मैं खुद भी वो चला रहा हूँ और उसको एप्पल पकड़ा है, पैसा खर्च किया है बहुत ज्यादा, तो मजे तो लेंगे ही ना। ये हमारे देश की युवाओं की सोच। ए, क्या कोई बात है, इसको तो सेम बोलना भी सेम होता है, पैसा खर्च किया है बहुत ज्यादा। अरे यार तू दिल्ली में क्या कर रहा है, इधर आ, तुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट करना सिखा दूं। और नहीं साले, तू मैसेज क्या देना चाहता है कि बस एक लड़की को फोन दो और उसके साथ टपा टप टपा टप टपा टप कर लो कुछ भी कुछ भी। मैंने तुम जैसे लोगों के लिए एक शायरी लिखा था, वो शायरी था, अगर तू ढंग का कंटेंट बनाता तो पब्लिकली ऐसे इज्जत नहीं खोता। मैंने कहा अगर तू ढंग का कंटेंट बनाता तो ऐसे पब्लिकली इज्जत नहीं खोता। अगर मोबाइल से ही लड़कियां सेट हो रही होती तो हर दुकान वाला स्टैन बेल्जीरियन होता। चलिए छोड़िए, समझी नहीं आया होगा। अब खैर मजाक से हटके थोड़े से भाई के कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ऐसा समझो, अगर YouTube से पैसा बट ब्लॉक हो जाता है तो भाई का करियर गौरव जोन के कंटेंट जितना बचेगा। अगर आप देखने जाएंगे तो भाई अपनी हर दूसरी वीडियो में पैसे का रोब दिखाते हैं। पैसे चाहिए, देख पैसे बचे रहे, लुटा दो तेरे पे कोई दिक्कत नहीं है, नहाएगी पैसे में तू। मजाक नहीं कर, पैसे से तुलने वाली नहीं हूं मैं। गोल्ड में तोल दूं, किस में तोलूं बता। साथ ही साथ पब्लिकली लड़कियों को छेड़ना भी सिखाते हैं। ये प्रैंक ही तो होता, मुझे लगता था क्रेजी सुमित के बाद ये सब चीजें कर्व शेप में आ गई होंगी, बट नहीं, आज यकीन हो गया कि चूतिया पे का कोई पीक पॉइंट नहीं होता है। मैं नहाएगी पैसे में तू,
ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ कंटेंट के नाम पे पैसा ही खर्च करते हैं, कई बार ब्रेकअप खाए लोंडो के लिए मोटिवेशनल वीडियोस भी बना देते हैं लाइक दिस। काम होगा तेरे से कितने दिन से नहीं मिला, कुछ बात करनी थी इम्पोर्टेंट। फोन पे भी तो हो सकती है। फोन ऑन पे कुछ नहीं हो सकती, आ रही है नहीं आ रही। पिछली गली में ही पार्क है, नाटक मत कर, जल्दी आ जा ठीक है। जल्दी देख रहा जवाला कितना बदल चुका, डायपर पहनने की उम्र में हाइपर हो रहा है। वो बात वो नहीं है ना बेटा, तू खुद सोच कि तूने मतलब पहले इतना कुछ किया, फिर तुम लाइफ में वापस आ गई तो सही ना तुम्हारे। ऐसा थोड़ी तो मैं भी तो कह रहा हूँ, मैं भी चले जाता हूँ किसी के पास, मैं भी फिर वापस आ जाऊंगा। करेगी तू एक्सेप्ट? अब मैं तेरे को आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर तेरे मन में है ना एक बार, समझ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ तेरे से। अब मैं तेरे से जो चीज पूछ रहा हूँ वो चीज मुझे बता, वरना मैं जा रहा हूँ। अरे भाई साहब थोड़ा आगे पीछे भी देख लो, आपके लिए तो कम से कम लड़की की इज्जत ही कर लो। मैंने बोल दिया यार, अगर ऐसे कल को मैं किसी के साथ रिलेशन में आता तो तू थोड़ी ना मुझे एक्सेप्ट करती, तू करती मुझे एक्सेप्ट? अरे भाई पीछे भी देख ले, कबाब में हड्डी नहीं पूरा का पूरा बकरा घूम रहा है, थोड़ी तो इज्जत कर ले खुद की। कर लिया आखिर नहीं करेगी तो ऐसे चला जाऊँ मैं? नहीं जाना, देख मैंने तो सोच लिया जाऊंगा ही मैं, जाना तो है मुझे, अब देख ले तू। और देख मेरे रेप्टाइल, मैं तेरे को समझाना चाहूंगा अच्छी जिंदगी के लिए अच्छी हेल्थ नहीं अच्छे काम भी जरूरी होते हैं। तो कभी फुर्सत मिले ना तो यूट्यूब को छोड़ के कुछ अच्छे काम भी कर लेना, जिंदगी में शायद हो सकता है ऊपर वाले कुछ अच्छे कर्म तेरे खाते में लिख दे। ठीक है भाई, फोटो वोटो डिलीट कर दियो। लड़की साफ साफ हंस रही है यार और ये प्रैंक कर रहा है। सीरियसली इसके प्रैंक में उतनी ही रियलिटी है जितनी रियलिटी फ्रीडम 251 में थी। ओमाए वा मो सिंदेइरु। चल चल छोड़ छोड़, मजे मत ले, डंडा दिख रहा है, टांट में दूंगा उठा के। ओ रे बाप रे बाप, भाई गुस्सा हो गया। पीछे पीछे क्यों आ रही, समझ नहीं आ रहा तेरे को? तेरे ना टांट में डंडा पंडा पेल पाल दूंगा भाई, ठीक है हाथ छोड़ हाथ छोड़। चलो भाई की वीडियो तो आपने देख लिया, थोड़ी सी स्टोरी मैं समझा देता हूँ। भाई ने बेसिकली इस वीडियो में दिखाया कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से एक्स गर्लफ्रेंड से कैसे बदला ले सकते हैं। सो आपको अपनी बंदी को पार्क में बुलाना है, उसको किस करना है ब्रेकअप से पहले, एंड उसको चिल्ला के और डांट के भगा देना है। बहुत बढ़िया मैसेज दे रहा हूं भाई, हो सकता है कि शायद आपके साथ पर्सनली ये चीज हुई होगी या फिर आपकी चीज पर्सनली हुई होगी। सुन मेरे साथ भी फेल जाए, तुझे पता है तेरी इस वीडियो से कितने लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं? खैर पढ़ाई तो की नहीं होगी, जो इन्फ्लुएंस का मतलब मालूम हो इधर आओ हम सिखाते हैं। एक बार अपनी वीडियो के कमेंट पढ़ना, दिल्ली की लड़कियां ऐसी ही चीप होती हैं, ऐसी लड़कियों को तो रोड पे खड़ा करके मारना चाहिए, इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस्ड होना। तू तो बेवकूफ जैसा कंटेंट डाल दे रहा है, लड़कियों का थंबनेल मोर वीडियो में लाके तू व्यूज भी ले रहा है, बट तेरे को ये चीज जरा भी समझ में नहीं आ रही कि अगर कोई भी बंदा जिसके पास थोड़ा सा दिमाग नहीं है या बोला जाए तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर वो इस चीज को देख के इन्फ्लुएंस हो जाता है तो कितने लोगों की जिंदगी खराब कर सकता है। नहीं अपने व्यूज के लिए अपने आंट से नीचे तो मत जाओ मेरे भाई। देख तू भी यूट्यूबर है, मैं भी यूट्यूबर हूँ, समझ में आता है सबको जरूरत होती है, नीड होती है पैसे की, कंटेंट की और खासकर फेम की, बट मेरे भाई ये कंटेंट नहीं है। इसलिए तुझे साफ शब्दों में समझा दे रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जितनी भी लड़कियों की तूने वीडियो यूज की है वो सारी की सारी लड़कियों के चेहरे ब्लर हो जाने चाहिए, भले वो उनकी मर्जी से हो या फिर बिना मर्जी के हो, क्योंकि तूने पेड एक्टर ली होंगी, बट अगर कोई नया बंदा चालू करेगा तो उसको लगेगा अरे चलता है, हर आदमी पेड एक्टर नहीं खरीद सकता ना। तो सारी लड़कियों के चेहरे ब्लर होने चाहिए, सारी वो वीडियो डाउन होनी चाहिए जिसमें तू गलत तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और साथ ही साथ वो वीडियो भी हट जानी चाहिए जिसमें तू लड़की छेड़ना सिखा रहा है। हम जानते हैं प्रैंक स्क्रिप्टेड होते हैं बट सब लोग नहीं जानते, सो ये चीज कर दे अच्छा रहेगा, वरना इस बार रोस्ट आया अगली बार कैंसिलेशन लेके आऊंगा। तो कोई पकड़ मकड़ के काड़ माड़ पे किसी दिन शंख वंक बजा दे तो इससे बेहतर है, सुधर जा मेरे भाई। और इसी सलाह के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और इस तरीके का कंटेंट आपको जहां भी दिखे मुझे इंस्टाग्राम पे भेजो, क्योंकि इस तरीके के लोग इस तरीके के कंटेंट बनाते रहेंगे बट बैठे हुए हैं ना इनको बार बार समझाते रहेंगे। तो अगर इस तरीके का कंटेंट दिखे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना @sambadeofficial पर आओ तो फॉलो भी कर लेना। एंड बाकी मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में 65,000 लाइक मांगे थे लेकिन आपने नहीं किए, लेकिन इस बार मैं मांग रहा हूँ 75,000 लाइक, या तो मुझे 75,000 लाइक दे दो या फिर जाकर भाई को 30,000, बोलूंगा नहीं समझदार हो तुम। एंड ना लूडो सिंह को डाउनलोड करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे भाई अरुण तेरे से दुश्मनी नहीं है, इस तरीके का कंटेंट तूने बनाया इसलिए तेरे ऊपर रोस्ट आया है, हटा ले अच्छा कंटेंट बना, हम टिकटॉकर वाले नहीं जो सपोर्ट करेंगे, बस इतना कर सकते हैं कि क्रिटिसाइज नहीं करें। बाकी दिल पे मत लेना, तू दूसरों की इज्जत नहीं कर रहा तो मैंने तेरी नहीं करी, तो ठीक है माय यूट्यूब फैमिली खुश रहिए हंसते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट कर देना यार, मैं हूं आपका अपना सम्राट। लगना तो नाद में खोलूंगा आप सारे कांड में, तेरे देखा नहीं तेरे जैसा रांड में, हर जगह दे रही है शो सस्ते में ले रही है, तू मार्केट डुबा रही है कुतिया, मेरी एक्स नहीं मिली तुझे घर बैठ के मार बेटा मुठिया। बेबचकाने।